चार्जर बैटरीज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अपील पर सुनवाई जो हो रही है उस पर फोकस होगा। वहीं वीडियोकॉन इंसॉल्वेंसी मामले की सुनवाई पर भी फोकस है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 3:30 बजे आज कंपनी एक एजीएम करने जा रही है। कल 28 सितंबर के दिन सेबी की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक सबसे बड़ा इवेंट होगा जिस पर हमारी नजर होगी। एनएससी आईपीओ पर चर्चा एक तो होने की संभावना है। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा होते हुए दिख सकती है और इसी पर हमारा फोकस रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की मूडीज के साथ एक मीटिंग होने जा रही है, इस पर भी नजर होगी। वहीं बजाज हेल्थ केयर स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट होगी कल का दिन 28 सितंबर को। कई सारी कंपनियों के एजीएम्स हैं, लिबर्टी शूज, केमकॉन स्पेशलिटी, एनटीपीसी, लक्स इंडस्ट्रीज, अतुल ऑटो, फोर्स मोटर्स, डीएफएल लिमिटेड, इन पर नजर रखनी होगी। और बजाज होल्डिंग 90 रूपये प्रति शेयर के डिविडेंड की एक्स डेट भी 28 सितंबर यानी कल का दिन होगी। 29 सितंबर बुधवार के दिन आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी का आईपीओ खुलने जा रहा है। 695 to 712 इसका प्राइस बैंड है और इशू साइज 2768 करोड़ का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचपीसीएल की 850 करोड़ की वीवीएस पाइपलाइन की समीक्षा इस दिन करने वाले हैं बुधवार को, सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। वहीं इंडो विंड एनर्जी पर नजर रखिए, राइट्स इशू के लिए 29 सितंबर को एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। गोकुल एग्रो प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पर इक्विटी शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक होगी और इस दिन वोडाफोन, आईआरसीटीसी, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन कंपनियों पर नजर रखनी होगी, इनकी एजीएम्स होने वाली है। मानसी ने आपको जो बताया सेबी की बोर्ड बैठक करने से आईपीओ पे कुछ फैसला निकल के आ सकता है, तो उसका इंपैक्ट जो है आपको बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स जैसे काउंटर्स पे देखने मिला है, जहाँ पे अच्छी खासी तेजी इस खबर के बाद आई है जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी है। इसके अलावा एसआरएफ या इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स R32HFC पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसकी सिफारिश की गई है एसआरएफ की तरफ से। चीन से प्रोडक्ट आता है जिसके खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की गई है। आरसीएफ इस कंपनी को लेकर हमने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी सूत्रों के हवाले से, सरकारी सूत्रों के हवाले से, कि आरसीएफ के रियल एस्टेट का डिमर्जर जो है उसकी योजना बनाई जा रही है। फर्टिलाइजर मंत्रालय, नीति आयोग, दीपम ने विनिवेश पर चर्चा हुई है, इसका जो इम्पैक्ट इस काउंटर पे हो रहा है। और आरसीएफ के पास मुंबई में 800 एकड़ जमीन है जिसकी वैल्यू करीब 12,000 करोड़ के आसपास है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला है, अच्छी खासी तेजी है। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को 1250 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। पीएनबी हाउसिंग, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की याचिका जो है उस पर सुनवाई जो है फिलहाल टल गई है। पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में वो फिलहाल टल चुकी है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक विस्तारा के साथ इस कंपनी ने एक करार किया है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए विस्तारा के साथ इन्होंने करार किया है। कोल इंडिया 11 कोल माइन के लिए नीलामी जो है उसकी प्रक्रिया लॉन्च हो चुकी है, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है। हैप्पीएस्ट माइन इस इंडिया रेटिंग ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म इश्योरेंस रेटिंग है उसको A- से बढ़ाकर A+ कर दिया है। आउटलुक जो है वो स्टेबल है, पॉजिटिव है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 13.6 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 18 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए।